Because guys, we are finally 2K subscribers. तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो ब्लॉगिंग है वो चल रहा है. चार्जर देखने मिल जाएगा और दो एक्स्ट्रा बैटरी मैंने मंगाया है. 8700 लिखा है आपको. चेन माउंट मिलेगा साथ में. Alright, so hello, namaste, lovely people. Welcome back to the all new episode. So, आज के इस episode में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी लोगों को Happy New Year. So, I hope कि आपने जो 2024 का अपने जो आपका manifest रखा है वो सब पूरा हो. So, आज की इस vlog में आपको देखने मिलेगा कि जो हमने मोटो vlog का setup इतने दिन से हम तैयार कर रहे हैं तो वो finally आ गया है. तो आज हर एक चीज़ की अनबॉक्सिंग होगी. हर एक चीज़ का मैं आपको प्राइस बताऊंगा और एज वेल एज आपको जो लिंक है वो सब चीज़ का मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा. एंड एज वेल एज बहुत दिन से जिम नहीं गया था तो आज जिम खाली है तो मैंने सोचा कि यहीं पे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और यहीं पे वर्कआउट कर लेंगे. सो लेट्स गो. सो इस पैक के अंदर है हमारे खुशियों का बॉक्स. तो लेट्स ओपन इट. गाइस एक लेडी ने इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा. तो ये सब वो चीज़ें हैं गाइस जिनको मुझे जमा करने में इतना टाइम लग गया. बिकॉज जो भी कर रहा हूँ मैं खुद के पैसों से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग गया. सो लेट्स ओपन इट. इसके अंदर क्या क्या सामान है जो हमको लगेगा हमारे मोटो ब्लॉगिंग के लिए. सबसे पहले हमको चाहिए रहेगा हमारा इम्पॉर्टेंट थिंग द हेलमेट. द हेलमेट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड अब देखते हैं. सो गाइस ये है माउनो का माइक. माउनो 400 करके तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था. ऑलमोस्ट ये मेरे को कुछ पड़ गया था अप्रॉक्स 450 के आसपास. द सेकेंड थिंग हियर इज द GoPro बैटरी एज वेल एज द चार्जर. जैसे कि आपको पता है अभी हम लोग फ्यूचर में अभी ट्रैवलिंग करने वाले तो हमको बैटरी की ज़रूरत रहेगी एक्स्ट्रा बैटरी की. तो उसके अंदर आपको चार्जर देखने मिल जाएगा और दो एक्स्ट्रा बैटरी मैंने मंगाया है. ये मैंने मंगाया है अमेजोन से. द अनदर थिंग हियर इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये है GoPro के लिए मीडिया मोड. बिकॉज जो GoPro में रहता है उसमें माइक लगाने का ऑप्शन नहीं रहता है तो आपको ये खरीदना पड़ता है. तो उसमें आपको कुछ ऐसा सेटअप देखने मिलेगा जिसमें आपको चेन माउंट मिलेगा साथ में और ये मीडिया मोड है. तो इसको हम लोग GoPro में लगाएंगे और इसके बाद ये कैप्चर करना चालू करेगा आवाज़. तो इसको भी हम रख देते हैं साइड में. सो द फाइनल थिंग हियर गाइस दिस इज़ GoPro Hero 12 जो कि मैंने बहुत पहले लिया था. अभी तक मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया हूँ. तो ये सब सामान है गाइस जो कि आपको मोटो व्लॉगिंग के लिए लगेगा अगर आप मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हो. तो मैं सबका एक बार प्राइस बता देता हूँ आपको. अगर आपको फ्यूचर में लेना रहेगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. तो ये जो मुझे GoPro पड़ा ये मुझे पड़ा 45,000 में. इसका एक अलग से सेटअप आता है उसको ट्रैवलिंग किट बोलते हैं. वो मैंने नहीं लिया. अगर वो लेते तो उसका कुछ अलग से मुझे 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता तो मैंने नहीं लिया. तो मैंने ये लिया. एंड साथ ही साथ ये माइक पड़ा मुझे 400 रुपीज़ का. और ये दो मिला के मुझे अगर मैं ये अलग से लेता ना गाइस तो ये मुझे एटलीस्ट यहाँ पे देखो 8700 लिखा है यहाँ पे. तो मेरे को ये 8700 का ही मिलता. तो मैंने इसको ये जो दो था मैंने ये दोनों को मैंने अलग से मंगाया. तो मुझे ये कुछ 14,500 में पड़ी. तो ये रहा गाइस मेरा सेटअप मोटो व्लॉगिंग के लिए. एंड और एक लास्ट थिंग है जो शायद से बैग में लेनी है. यस दिस इज हेलमेट चेन माउंट जो कि मुझे 300 के आसपास में पड़ा है. तो जो ये यहाँ पे लगेगा हेलमेट में. इसे आपने पहले देखा होगा कि मैं यहाँ पे एक ऐसा माउंट होल्डर लगाता था बट अब वो नहीं लगाता हूँ. अगर वो किसी को चाहिए तो मुझे DM करो या तो नीचे कमेंट डाउन करो. जो भी अगर कोई भाई होगा या बहन होगी जिसको भी मोटो ब्लॉगिंग के लिए आगे चाहिए रहेगा तो मैं उसको दे सकता हूँ फ्री में. तो ये जो यहाँ पे लगेगा ये ऑलरेडी ये 3M टेप के साथ में आता है बट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाया दो ताकि सेफ्टी के लिए ये गिरे ना करके. तो ये यहाँ पे लगेगा इसे. तो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखता है. तो मेक श्योर करो कि आप इसको सीधा लगाओ हेलमेट में क्योंकि अगर एक बार लग गई तो वापस यूज़ नहीं होगा. मुझे लगता रहा है कि प्रॉपर लगा है.
सो अभी लग गई है गाइस। तो अभी जो इसका मेन काम है, इसका मीडिया मोड का, तो अभी हमको मीडिया मोड निकालना है। किधर है इसका लॉक? यस, तो जैसे GoPro निकलता है ये भी वैसे निकलता है, सेम उसी तरह से। तो हमको मीडिया मोड निकालना है एंड GoPro में ये आपका जो कवर है, लीड, ये निकलता है, तो आपको ये निकालना है ऐसे, ठीक है। ऐसे निकालने के बाद आपका जो ये GoPro है आपको ऐसे एंगल में लगा देने को, ऐसे फिट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको ऐसे लॉक कर देना है। तो आपका ये GoPro जो हो गया, ये रेडी हो गया मीडिया मोड के साथ में। ये आपको एक लीड दी जाती है ताकि आपका जो आप जब भी ब्लॉगिंग करते हो या बात कर रहे हो माइक में, तो ये वॉइस जो है, आवाज़ जो हवा आती है ना, विंड नॉइस, तो ये उसको कैंसिल करता है, तो इसको ऐसे लगता है। तो ये आपका पूरा सेटअप तैयार हो गया। अभी GoPro को चालू करते हैं। सो इसका GoPro का एक रहने का खासियत है आपको मीडिया मोड लगाने का, आप जब भी ब्लॉगिंग करोगे ना, तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इसे ग्रीन ग्रीन लाइन आता रहेगा यहाँ पे, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो ब्लॉगिंग है वो चल रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि आपका जो ऑडियो है वो कैप्चर हो रहा है इस कैमरे में। तो अभी आपको आगे के जो भी वीडियोज है आपको मेरे इस हीरो कैमरे से आपको देखने मिलेगा, ठीक है। ओके गाइस, सो अभी जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो हमारे GoPro से हो रही है एंड आई होप कि आपको जो ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आपको अच्छे से देखने मिल रहा होगा। तो एक बार जागते हैं थोड़े से अंधेरे में और अंधेरे की भी उसकी क्वालिटी देख लेते हैं कि कैसे आती है। तो अभी मैंने इसका जो लेंस रखा है वो मैंने हाइपर व्यू में रखा है, जो कि मैं मेरे मोटो ब्लॉगिंग के टाइम पर यूज़ करूँगा इस लेंस से। तो बढ़िया है बाकी सब, तो दिखने में तो मुझे बराबर ही दिख रहा है। तो अभी ये सब सेटअप है हमारा, ये हमारा हेलमेट है, ये सब सामान है, अभी हम इसको रख देंगे वापस। तो ये ऐसे लगेगा। इसके ऊपर आपका जो GoPro है वो तो अभी हमारा पूरा मोटो व्लॉग का जो सेटअप है वो रेडी हो चुका है। अभी बस हमको इसके अंदर ऐसे ये वाला जो माइक है उसको ऐसे लगाना है, देन मस्त नॉर्मली आपको जो मोटो व्लॉग करना है आप वैसे कर सकते हो। तो ये रहा गाइस हमारा नॉर्मल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। तो लिटरली गाइस ये सब चीज़ें लेने में मैंने मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने लग गए, बिकॉज थोड़े थोड़े करके पैसे मैं जमा कर रहा था, तो उसकी वजह से मुझे इतने टाइम लग गया। तो बस यही था मेरा मोटो ब्लॉग सेटअप। तो अभी आपको, अभी से आपको अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी और अच्छी ऑडियो भी मिलेगी। ऑलराइट गाइस, आई होप कि आपके जो भी डाउट्स हैं मोटो व्लॉग के रिगार्डिंग, कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या लगेगा आपको, तो वो सारे मैंने क्लियर कर दे होंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस कि हमने 2K सब्सक्राइबर्स हिट कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा 10K का है एंड 5K पे हमारा गिव अवे होगा, जो कि मैंने बहुत पहले आंसर किया था। तो तब तक के लिए फिर अभी थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं एंड लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। रोते रोते मेरा सारा वक्त कट रहा था, मैं कह रहा हूँ मैं खुशियां था बांट रहा, जब खुद के कंधों पे कमों का बसता था, वो काफी बैगैरा से दिन थे माँ कहती।